एक दिव्यांग ने अपनी आंखों के इलाज के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। दिव्यांग ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उसे 4 वर्षों से दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ये मामला डिंडोरी का है। दिव्यांग गणपत सिंह ने बताया कि 4 वर्षों से उन्हें आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। उनकी 2 बेटियां हैं, पत्नी भी उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चली गई है। अब वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उनका परिवार एक वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पाता है। गणपत ने कलेक्टर से मांग की है कि किसी भी तरह उनकी आंखों का इलाज करवाया जाए, जिससे वो मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर सकें और अपनी 2 बेटियों का भविष्य संवार सकें। 4 साल से मेरे पत्नी छोड़ के चले गई। मेरे 2 मेरी छोटी छोटी बेटी हैं। 600 रुपया मेरे को शासन से मिलता है, उससे मेरे गुजारा नहीं हो पाता। एक चावल में एक टाइम खाना खाती हूँ, एक टाइम खाना नहीं खा पाती। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आया तो हमारा आँख का इलाज सही तरीके से हो जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।